अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर है 58, ठीक है। चलो, सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। परचेज एंड सेल्स, देखो दोनों साथ में दिया है, आपको पता होना चाहिए परचेज हमेशा कहाँ रहता है, डेबिट साइड में, और सेल्स कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड में रहेगा। तो परचेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में, सेल्स कहाँ जाएगा, वो भी ट्रेडिंग में, लेकिन कहाँ पे क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। वर्क्स मैनेजर सैलरी, तो वर्क्स मैनेजर सैलरी जाता है ट्रेडिंग में। कैपिटल सुचेता गायत्री, तो कैपिटल है तो कहाँ जाएगा दोनों भी, पीसी, और कैपिटल हमेशा कहाँ रहता है, क्रेडिट साइड में रहता है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, डेटर्स एसेट्स, डेटर्स की कौन सी वैल्यू होगी, डेबिट वाली 47,500, क्रेडिटर्स 35,000 होगा, तो क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग, याद रखो वेजेस एंड सैलरी कंबाइन दिया है 4,000, अगर सैलरी आगे रहता और पीछे क्या रहता वेजेस, तो ये क्या हो जाता, प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता। बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट कहाँ पे दिया, क्रेडिट साइड में, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। मोटिव पावर ट्रेडिंग, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, देखो प्रोडक्टिव वेजेस होगा ना जो ट्रेडिंग में आएगा, अनप्रोडक्टिव है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। ऑफिस वगैरह में जो वर्कर्स होते हैं ना, उनको जो वेजेस पे किया जाता है उसको अनप्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कन्वेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑफिस में जो वर्कर्स होते हैं उनको लाने ले जाने का जो भाड़ा होता है उसको कन्वेंस बोलते हैं। गुडविल एसेट्स, कॉपीराइट एसेट्स, बिल्डिंग एसेट्स, पार्टनर्स, सुचेता लोन पार्टनर्स का लोन है तो ये लाइबिलिटी होगी। इन्वेस्टमेंट एसेट्स, कैश एट बैंक एसेट्स, पार्टनर्स लोन पे हिडन एडजस्टमेंट होता है, बताऊंगा आपको थोड़ी देर में क्या होता है ये। स्टॉक, ये आपको पता होगा बचपन से, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट, एसेट साइड, इसके लिए किसी पे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो गुड्स फ्री में बांटा मतलब क्या हो गया, एडवर्टाइजिंग, तो ये एडवर्टाइजिंग में हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इसके दो इफेक्ट क्या होगी सम्स करते वक्त बता दूंगा। मोटिव पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, तो डिपॉजिट जो होता है ना वो एसेट्स होता है, ठीक है। तो मोटिव पावर में से हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे और एसेट्स में दिखाएंगे, तो मोटिव पावर पे आप क्या करो, स्टार कर लो। डेप्रिसिएट बिल्डिंग 5%, बिल्डिंग किधर है, ये रहा, तो बिल्डिंग पे स्टार कर लो। राइट 2,000 फॉर बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी 3%, तो डेटर्स पे स्टार आएगा, वेर इज डेटर्स, ये रहा, तो इस पे दो स्टार कर लो क्योंकि दो एडजस्टमेंट है, एक तो क्या है फर्दर बैड डेब्ट्स और दूसरा क्या है न्यू आरडीडी। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 4,000, बिल्स रिसीवेबल जो है, ठीक है, कहाँ गया बिल्स रिसीवेबल, ये रहा, इसमें डिसऑनर बिल है तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे, डेटर्स में ऐड करेंगे, तो इसका क्या करना है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, ठीक है। चलो, तो मार्किंग हमने कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग और एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, तो पोस्टिंग फटाफट कर लेते हम लोग। पहला क्या है, परचेजेस, परचेजेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में, मार्किंग किया हुआ है हमने 65,000, ये रहा परचेजेस, फिर उसके बाद सेल्स 1,85,500, सेल्स में लिखेंगे 1,85,500। ओके, नेक्स्ट क्या, वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर सैलरी कितना है ये 2,300। नेक्स्ट है कैपिटल सुचेता गायत्री, तो ये पार्टनर्स कैपिटल हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन सुचेता का है 75,000 और गायत्री है 40,000, ठीक है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक 18,700, ठीक है। फिर डेटर्स,
डेटर्स कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में कितने स्टार हैं, इस पर 3 स्टार हैं, तो पहले लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है, डेबिट वाला अमाउंट होगा 47,500, तो यहाँ पे 47,500 लिख देंगे। 3 एडजस्टमेंट है, ये पहला एडजस्टमेंट, दूसरा एडजस्टमेंट, तीसरा एडजस्टमेंट। टोटल कितनी लाइन छोड़ेंगे, 1, 2, 3 और 2, 5, टोटल 5 लाइन छोड़ेंगे हम लोग। फिर क्रेडिटर्स है 35,000। लाइबिलिटी में 3-4 लाइन छोड़ दो पार्टनर्स कैपिटल लिखने के लिए, उसके बाद लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का वैल्यू है 35,000, ठीक है। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी है तो हम लोग ट्रेडिंग में लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरी 4,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। देन है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल कहाँ आएगा, एसेट्स में। ये लाइन जो छोड़ा है उसके नीचे लिखना है हमें बिल्स रिसीवेबल। एडजस्टमेंट है इसके लिए हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आइटम क्या है, बिल्स पेएबल 27,300। बिल्स पेएबल 27,300, ये हो गया। फिर डिस्काउंट, डिस्काउंट कहाँ पे, क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बाय डिस्काउंट 400 है, 400 लिख दिया। फिर नेक्स्ट है मोटिव पावर 13,150। मोटिव पावर ट्रेडिंग में आता है, तो टू मोटिव पावर 1350। इस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे इसके लिए। कस्टम ड्यूटी, ये भी ट्रेडिंग में आएगा, टू कस्टम ड्यूटी 1500, आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है, कस्टम ड्यूटी के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट देखो कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो ये यहाँ से एक लाइन खींच सकते हैं, बट कितनी जगह चाहिए ट्रेडिंग के लिए, कितनी जगह चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के लिए हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे अभी तक लाइन खींचे नहीं है बीच में, ठीक है। तो फिलहाल ये कहाँ आएगा, कस्टम ड्यूटी हो गया, इंटरेस्ट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के, तो बाय इंटरेस्ट। क्रेडिट साइड में जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम होता है, ठीक है, याद रखना। अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस कहाँ बताया था, ट्रेडिंग में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस टू अन प्रोडक्टिव वेजेस 3,000। आउटर कॉलम में इसको लिखेंगे। फिर ऑडिट फीस टू ऑडिट फीस 2,500। नेक्स्ट है रेंट 1,800, ठीक है, तो टू रेंट 1,800। फिर कन्वेंस कन्वेंस हो गया 2,000। गुड्डू, गुडविल कहाँ आएगा, एसेट्स में, गुडविल का अमाउंट है 25,000। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम बाहर के कॉलम में लिखेंगे। फिर कॉपीराइट्स, कॉपीराइट भी एसेट्स है, ट्वेंटी थाउजेंड, ठीक है। फिर उसके बाद है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे स्टार है, बिल्डिंग की वैल्यू है 88,000। अंदर के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। पार्टनर यानी सुचेता लोन, तो पार्टनर का लोन है
सॉरी बाय लिखा, सुचेताज लोन 6150, इसको इनर कॉलर में लिखो, बताता हूँ बाद में क्या करना है। इन्वेस्टमेंट्स 40,000, ये एसेट्स हैं। देन कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 26,000। आई होप पोस्टिंग आपको समझी होगी, इतना कर लोगे तो 7 to 8 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ओके चलो ये हो गया पोस्टिंग, अब हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन 31st मार्च, 31st मार्च का जो स्टॉक होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 19,700। तो ये आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,700। हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होती है, तो सेकेंड इफेक्ट हम लोग एसेट्स में इसका लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 19,700। फिर नेक्स्ट अभी है क्लोजिंग स्टॉक हो गया, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है, फ्री में सैंपल बांटा यानी गुड्स बिजनेस से बाहर गया, तो बिजनेस से जब भी बाहर जाएगा गुड्स तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है, कितने का फ्री सैंपल दिया 3,000, तो ये 3,000 हम लिखेंगे बाहर के कॉलम में। उसका सेकेंड इफेक्ट इसकी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू इसको आप काउंट करोगे एडवर्टीजमेंट। फ्री में क्यों बांटते हैं, एडवर्टीजमेंट करने के लिए बांटते हैं ना, ब्रैकेट में गुड्स आप लिख सकते हो, कितने का गुड्स बांटा था 3,000, तो ये हो गया। नेक्स्ट अभी क्या है, अगला एडजस्टमेंट देख लो, मोटी पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट, ठीक है, ऑफ पावर मीटर। डिपॉजिट जो होता है वो एसेट्स होता है, याद रखो। तो मोटी पावर में से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट है 500, ठीक है, तो 1300 में से 500 किया तो कितना बचा 850। इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी एसेट्स में, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, कितना डिपॉजिट है 500। देखो रूम वगैरह हम लोग रेंट पे देते हैं तो डिपॉजिट देते हैं, तो रेंट जो पे करते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए एक्सपेंस होता है, बट जो डिपॉजिट हम पे करते हैं वो तो हमें रिटर्न मिल जाता है ना, तो इसके लिए वो क्या होता है, एसेट्स होता है। ओके नेक्स्ट अभी क्या है, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट 5%, ये रहा बिल्डिंग, इसका हम लोग 5% निकालेंगे डेप्रिसिएशन, 88,000 का 10% होगा 8,800, तो 5% होगा 4,400, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, 10-4, 6, 7-4, 3 और ये 8, तो 88 में से 4,400 गया तो 83,600। एसेट्स की वैल्यू कम होगी, बुरी बात कहाँ लिखेंगे, एसेट्स में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ठीक है 4,400। नेक्स्ट अभी है राइट ऑफ 2,000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD 3% ऑन डेटर्स। तो पहले हम लोग बैड डेट्स कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का देखते हैं। 2,000 बैड डेट्स है ना, तो डेटर में से हम लोग 2,000 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो लेस बैड डेट्स, इसको फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 45,500। और एसेट्स की वैल्यू कम हुई, बुरी बात कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू बैड डेट्स,
कितना है 2000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000। ओके नेक्स्ट है, अभी आरडीडी अपने को मारने बोला है, बट आरडीडी हमेशा लास्ट में मारने का, उसके पहले डेटर्स पे एक और एडजस्टमेंट है तो वो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखो बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल 4000। तो बिल जब डिसऑनर होता है ना, तो उसकी दो इफेक्ट क्या होती है, ध्यान से सुनो। बिल जब डिसऑनर हुआ तो बिल में से सबसे पहले वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डिसऑनर्ड। कितने का बिल डिसऑनर हुआ, 4000 का। तो 4000 यहाँ से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो बाहर आएगा अभी 18000। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल चेंज हुआ, और ये जो यहाँ से लेस किया ना डिसऑनर, वो डेटर्स में क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ये चैप्टर पढ़ोगे आप अच्छे से, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो डेटर्स में हम ऐड करेंगे क्या, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर 4000। तो अब ये टोटल जो डेटर्स की वैल्यू हो जाएगी 45500 प्लस 4000, ये हो जाएगा 49500। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट हमने दे दिया, यहाँ से लेस किया और यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। ठीक है, अब क्या है पता है, अब हम लोग आरडीडी मार सकते हैं। आरडीडी मतलब डाउट करना ना अपने को डेटर्स पे, तो कितने डेटर्स पे डाउट करेंगे, पहले डेटर्स हम लोग फाइनल कर लेना कि कितने हमारे पास डेटर हैं। तो डेटर यहाँ पे 45500 दिख रहा था, बट डेटर बढ़ गया ना यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होने की वजह से, तो टोटल हम लोग 49500 पे आरडीडी कैलकुलेट करेंगे। तो चलो कितना कैलकुलेट करना है, 3%। तो 49500 का 3%, ये दो जीरो कैंसिल हो गया, 3 5 15, 1 कैरी का 3 9 27 प्लस 1 28, 2 कैरी का 3 4 12 प्लस 2 कितना होगा 14, तो 1485 आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, लेस, इसको न्यू आरडीडी बोलते हैं ना, न्यू आरडीडी कितना आया था 1485, 10 माइनस 5 5 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 1 8 और 4, 48 15। क्या हुआ, डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, यानी एसेट्स कम हो गया। हम लोग इसकी सेकेंड इफेक्ट देंगे यहाँ पे, 2 new RDD। तो ये तो हम लोग बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला भी लिख सकते थे, बैड डेब्ट्स ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी, बट इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि सारी चीज़ें अपने को नहीं दी है ना यहाँ पे। 1485। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट कर लिए, अब हम लोग करेंगे टैली। टैली करने के पहले याद रखो, देखो परचेस के नीचे हमने क्या लिखा, परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न नहीं मिला तो परचेस को हमें सबसे पहले क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, और सेल्स के साथ भी ऐसे ही करना है, सेल्स भी हमें बाहर निकालना है, 1,85,500। अब चलो टोटल कर लेते हैं, देखते हैं कितना टोटल आ रहा है, क्या प्रॉफिट या लॉस निकलता है। ठीक है, ओके तो हमने क्रेडिट का टोटल किया तो कितना आ रहा है, 2,08,200। तो यहाँ पे भी टोटल में लिखेंगे 2,08,200। ठीक है, ये टोटल है, और ये डेबिट का हमने टोटल लिया तो 92,350 आ रहा है। मतलब डेबिट का टोटल कम है, यानी अपने को क्या होने वाला है, जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस अपने को आ रहा है 1,15,850। ठीक है, तो ये हो गया अपना 2 ग्रॉस प्रॉफिट का रिटर्न। फिर आपको पता ही है सीढ़ी उतर के हमें बीडी पीना है, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,15,850। ठीक है, अब हम इसका भी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके यहाँ पे हम लोग एक एडजस्टमेंट भूल गए हैं, जो हिडन एडजस्टमेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना इस पर। मैं भी टोटल कर रहा था तो मुझे प्रॉफिट है ना बुक से मैच नहीं कर रहा था, तब मुझे याद आया कि सुचेता का लोन जो हमने इनर कॉलम में लिखा है उस पर हमें क्या मारना है, 6% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। याद रखो, क्वेश्चन में कहीं बोला नहीं है लेकिन ये रूल है कि पार्टनर्स का अगर लोन होगा, ठीक है, तो पार्टनर्स के लोन पे हमें 6% साल का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अभी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 0 1 0 कैंसिल कर, चलो 6 5 30, 3 कैरी किया, 6 1 6 प्लस 3 9, 6 6 36।
और एक जीरो रह गया तो ये भी कैंसिल हो गया, 369 अपने को क्या आया, ये इंटरेस्ट आया लोन के ऊपर, पार्टनर्स के लोन पे 6% इंटरेस्ट कंपलसरी है। तो ऐड यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था, 369, तो 9, 6 और 5, 11, 5, 65, 90, ठीक है। ये क्या हुआ, लाइबिलिटी में हमने लिखा तो ये लाइबिलिटी में ऐड हुआ, लाइबिलिटी बढ़ गई ना तो बुरी बात, कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पे टू क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 369 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 369 यहाँ से माइनस करेंगे, जब ये हमने ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल लिया नेट प्रॉफिट, बट इसमें से ये भी माइनस होगा, तो 15 माइनस 6, 9, ये 2 हो जाएगा, 2 यानी 12, 12 माइनस 3, 9, ये 6, तो 96,996 ये अपने को आंसर आ जाए। तो अपना क्रेडिट सेट का टोटल कितना है, 1,17,550 टोटल में, और डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे 96,996, तो ये अपना नेट प्रॉफिट है। इसको हमें क्या करना है, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे, क्या है ये एनपी, एनपी मतलब नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट किसको बांटना है अपने को, सुचेता और किसको बांटना है, सुचेता के अलावा गायत्री को। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो क्वेश्चन में आप देखोगे तो 3:2 दिया हुआ है, तो 3:2 के रेशियो में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, इसकी अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, ये कहाँ लिखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखा है, अब इसकी सेकेंड इफेक्ट आएगी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो यहाँ पे, ब्रैकेट में क्या बताओगे, नेट प्रॉफिट। सुचिता को आया है 58,198 और गायत्री को आया 38,798। अब इसको हम टैली करेंगे, चलो 198,8 और 5, 13, 1 11, 12 और 1 13, 1,33,198, 1,33,198। ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर भी 1,38,198 ही आएगा, इसको भी ऐड कर लेते हैं, 40,038,000 कितना होगा, 78,000, ठीक है, 798, तो 78,798, ऊपर कुछ माइनस करने के लिए नहीं है, तो 78,798 क्या लिखोगे यहाँ पे, टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, और ये आएगा सीधा बैलेंस शीट में, पार्टनर्स कैपिटल सुचेता गायत्री, सुचेता का है 1,33,198 और गायत्री का है 78,798, ठीक है। 8 और 8, 16, 1 कैरी किया, 9, 9, 18, 1, 19, 1 कैरी किया, 1 और 1, 2 और 7, 9, 8 और 3, 11, 1 कैरी किया, 8 और 3, 11, 1 कैरी किया, 2, तो 2,11,999,996 तो ये आ रहा है अपने को। अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस शीट टैली करेंगे और देखते हैं अपना राइट है कि रॉन्ग है। तो अपना ये सम टैली हो गया, 2 लाख दोनों साइड का सेम आ रहा है, 2,80,815। आई होप आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है, थैंक यू, बाय।